जी अमीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? सबसे अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसी शख्सियत को टीवी पे लेके आए आप कि जिनकी इस जो हालात चल रहे हैं उस हालात के मुताबिक इलम इलम की जो अहलियत रखते हैं और हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, जी माशाल्लाह, इसके लिए आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह। दूसरा ये कि मैं अर्ज करूंगा कि जो टाइम है 1 घंटा, ये बहुत कम है। अभी तो आपने शुरू किया और कोशिश करें कि इसको 2 घंटे तक ले जाने के लिए। जी इंशाल्लाह, जरूर। हाँ जी, और मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि कोई ऐसा मुझे अमल बता दें कि जिससे मेरे दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह का खौफ मेरे अंदर पैदा हो जाए। जी वाह जी, माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त सवाल है, माशाल्लाह। तो पहले तो भाई अमीन साहब जो है, आपके हुस्न ज़न का शुक्रिया, और मैं भी दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। ज़ाहिर है कि आपका हुस्न ज़न है, अल्लाह उसको हकीकत से बदले और मुझसे काम ले। तो सर, जो आपने पूछा कि जी अल्लाह की मोहब्बत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क, ज़ाहिर है कि ये बुनियाद है। तो उसके लिए आप जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कलमे शरीफ का 2000 मरतबा विर्द किया करें। रोज़ाना 2000 दफ़ा आप जो कलमा शरीफ पढ़ा करें, तो इंशाल्लाह इससे आपको अल्लाह की मोहब्बत भी और रसूलुल्लाह के इश्क भी नसीब हो जाएगा।